नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले ईएसआईसी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम टारगेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द फॉर्म ऑफ वॉटर मोस्ट कॉमनली यूज एज अ सॉल्वेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ द पेरेंटरल्स इज। ऑप्शन है डी आयोनाइज्ड वॉटर, पोर्टेबल वॉटर, डिस्टिल्ड वॉटर, वॉटर फॉर इंजेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉटर फॉर इंजेक्शन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर इज ऑइंटमेंट्स, सस्पेंशन, इमल्सन, नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑइंटमेंट्स, ऑप्शन 1। दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैगेल्ड्रेट MgOH2 प्लस AlOH2 इज यूज्ड एज। ऑप्शंस है एंटासिड, परगेटिव, सस्पेंडिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटासिड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग रेस्पिरेटरी ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। ऑप्शंस है हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द यूज ऑफ जिंक सल्फेट इज। ऑप्शंस है एस्ट्रिंजेंट, एमेटिक्स, लेक्सेटिव, नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमेटिक्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज। ऑप्शंस है लाइजोल, डिटॉल, यूजोल, नन। तो इसे हम कहते हैं यूसोल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर। ऑप्शंस है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, सप्लाई ऑफ आयंस, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ देम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटी केकिंग एजेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स इज। ऑप्शंस है कैओलिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोलोइडल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टाल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुदीना कंटेंस। ऑप्शंस है कैम्फर, मेंथॉल, थाइमोल, टर्पिन्स। तो पुदीना कंटेंस मेंथॉल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली। ऑप्शंस है एपोसाइनेसी, लेबिएटी, जेनिटेसी, लिलिएसी। तो तुलसी बिलोंग टू द फैमिली लेबिएटी। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है ऑसिवम सैटिवम। इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फॉर्म ऑफ मलेरियल इन्फेक्टिव ऑफ मस्कीटोस। ऑप्शंस है मेरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स, गैमेटोसाइट्स, नन। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पोरोजोइट्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए सेक्सुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मलेरिया पैरासाइट टेक्स प्लेसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस है आरबीसी ऑफ द इन्फेक्टेड मैन, लाइव सेल ऑफ द इन्फेक्टेड मैन, इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटोज, नन। इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी ऑफ द इन्फेक्टेड मैन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मस्कीटोज रिपेलेंट। ऑप्शंस है पायरीथ्रिन, सिट्रोनेला ऑयल, एलेथ्रिन, डीडीटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीडीटी। ये डीडीटी इंसेक्टीसाइड और पेस्टिसाइड होता है। बाद में कि ये तीनों जो है वो यूज किया जाता है एज अ मस्कीटो रिपेलेंट। ऑप्शंस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेमन ग्रास ऑयल इज। ऑप्शंस है वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, वैक्स, ओलियो रेजिंस। तो लेमन ग्रास ऑयल इज वोलेटाइल ऑयल, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ड्रग यूज्ड एज कार्मिनेटिव। ऑप्शंस है क्लोव्स, कालमेक, बेलाडोना, फेनल। तो कार्मिनेटिव ड्रग्स है इसमें से फेनल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एपिहेड्रिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शंस है ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ब्रोंकियल अस्थमा, मलेरिया। तो एपिहेड्रिन का यूज करते हैं हम ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉल्चिकम इज यूज टू क्योर। ऑप्शंस है सीसीएफ, पेप्टिक अल्सर, गाउट, इन्फेक्शन। तो कॉल्चिकम का यूज किया जाता है गाउट के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिनामन बार्क इज आल्सो नोन एज। ऑप्शंस है कपूर, दालचीनी, एराओबा पाउडर, सिंकोना। तो सिनामन पाउडर को कहते हैं हम दालचीनी इन लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्विनिन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शंस है सिनामन बार्क,
अशोका, सिंकोना बार्क, अर्जुना। तो क्विनीन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट होता है सिंकोना बार्क का, और ये यूज किया जाता है एज ए एंटी मलेरियल ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनिमल फाइबर इज हेम्प, फ्लैक्स, जूट, सिल्क। तो एनिमल फाइबर इज सिल्क, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एस्टेब्लाइज्ड बाय, ऑप्शन है डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज द सिंथेसिस ऑफ, ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल यूरिन इज न्यूट्रल, हाईली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एल्कलीन। तो नॉर्मल यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट, ऑप्शन है थायरोक्सिन, पैराथायराइड, एड्रिनलिन, ऑक्सीटोसिन। तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट थायरोक्सिन, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलियम इज अ बोन ऑफ, ऑप्शन है इनोमिनेट बोन, वर्टिब्रल, स्कल बोन, कॉकिक्स बोन। तो इलियम इज अ बोन ऑफ इनोमिनेट बोन, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, डब्ल्यूबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शन है लिवर, लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन, हार्ट। तो डब्ल्यूबीसी का प्रोड्यूस होता है लिम्फ ग्लैंड में, ऑप्शन टू। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, तो इसका लाइफ स्पैन होता है 13 टू 20 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेफ्ट साइड्स ऑफ द हार्ट कंटेन्स, ऑप्शंस हैं इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, लिम्फ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसे हम कहते हैं प्योर ब्लड, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन, ऑप्शंस हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ल्यूकेमिया इज, ऑप्शन है इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट, डिक्रीज इन ल्यूकोसाइट, इंक्रीज इन इरिथ्रोसाइट, एनॉर्मस इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट विथ इमैच्योर सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनॉर्मस इंक्रीज इन ल्यूकोसाइट विथ इमैच्योर सेल्स। ये हायर नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी के कारण ल्यूकेमिया होता है, और इसमें इमैच्योर डब्ल्यूबीसी सेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कंबाइंड पिल्स कंटेन्स, ऑप्शन है ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, नन। तो कंबाइंड पिल्स में होता है आपका एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ एड्स, ऑप्शन है कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पुअर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो एड्स इन सभी कारणों से होता है, सो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। एड्स होता है एचआईवी वायरस के कारण, और इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइबोफ्लाविन, आप एक बार विटामिन और उसका नेम पढ़ के जरूर जाएं, साथ ही उसके डेफिशियंसी डिजीज पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइबोफ्लाविन डेफिशियंसी कॉजेस, ऑप्शन है बेरीबेरी, पेलाग्रा, ग्लोसेटिस, स्प्रू। तो राइबोफ्लाविन के डेफिशिएंसी से होता है ग्लोसेटिस एंड चिलोसिस, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लाविन डेफिशिएंसी इज, ऑप्शन है चिलियोसिस, ग्लोसेटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, नेसोबियल डिसएमिनोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुपिंग कफ इफेक्ट चिल्ड्रेन, ऑप्शन है 0 to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, अप टू 5 years। तो हुपिंग कफ इफेक्ट चिल्ड्रेन 0 to 1 years ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेक्टर इज, ऑप्शन है आर्थ्रोपोड और एनिमल, वायरस और पैरासाइट, बैक्टीरिया और एनिमल, नन। तो वेक्टर इज आर्थ्रोपोड और एनिमल, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी इज, ऑप्शन है मिल्क प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, कैम्फोर प्लस मेंथोल। तो फिजिकल इनकॉम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल हैं कैम्फोर प्लस मेंथोल, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एयर टाइट सील्ड कंटेनर आर यूज्ड फॉर,
ऑप्शन है इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड ओरल्स। तो इसका यूज किया जाता है इंजेक्शन में, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैरियर क्रीम इज क्वाइट यूजफुल इन प्रिवेंटिंग, ऑप्शन है ड्राई स्किन, सोरियासिस, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ए ड्रग एलर्जी एक्शन ऑन स्किन। तो इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स में, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड इज, ऑप्शन है मैग्नेशियम ट्राइसिलिकेट, लाइट कैओलिन, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल ऑफ देम। तो डिफ्यूजिबल सॉलिड के ये तीनों एग्जाम्पल हैं, सो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विथ, ऑप्शन है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम, लैक्रिमल सिक्रीशन, नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्रिमल सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द फंक्शन ऑफ पेपेन इन सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस प्रोडक्ट इज टू, ऑप्शन है रिमूव ग्रीस, कीप द लेंस सॉफ्ट, डिसइंफेक्टेंट, रिमूव प्रोटीनेशियस रेसिड्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिमूव प्रोटीनेशियस रेसिड्यू, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटे डिक्टो मींस, लैटिन टर्म है मोटे डिक्टो, इसका मींस क्या होता है, ऑप्शन है एज डायरेक्टेड, व्हेन नेसेसरी, टू बी सप्लाइड, नन। तो मोटे डिक्टो मींस एज डायरेक्टेड, ऑप्शन वन। व्हेन नेसेसरी होता है SOS, सिस ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड इज यूज्ड ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शन है पार्किंसन डिजीज, मायस्थेनिया ग्रेविस, ग्लोकोमा, ऑल ऑफ द एवव। तो नियोस्टिग्मिन ब्रोमाइड का यूज किया जाता है इन तीनों कंडीशन में, सो ऑल ऑफ द एवव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेपावेरिन इज, ऑप्शन है वैसोडायलेटर, एंटी हिस्टामिन, एंटी थायराइड, साइकोएक्टिव ड्रग। तो पेपावेरिन होता है वैसोडायलेटर, ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन इज, ऑप्शन है मिथाइल सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो एस्पिरिन का केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और एस्पिरिन का एक साइड इफेक्ट क्या होता है, रेज सिंड्रोम, टिनिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हायोसिन इज एन, ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड। तो हायोसिन होता है आपका अल्कलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ड्रग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन इज, ऑप्शन है क्लोरफेनरामिन, क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरडाइजोपॉक्साइड, मेब्रोमाइड, मेप्रोबामाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरडाइजोपॉक्साइड, ऑप्शन थ्री। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल यानी 10 दिसंबर 2023 को ESIC फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए एग्जाम हो रहा है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह से तैयारी करते रहिए।